हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेली करेंट अफेयर्स में 14 मार्च 2022 का करेंट अफेयर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लास्ट में हम 12 मार्च के करेंट अफेयर का रिविज़न भी करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर इस PDF के लिंक के थ्रू उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, RBI ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए कैनरा बैंक, ऑप्शन बी फ्री चार्ज, ऑप्शन सी यस बैंक या ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है दोस्तों। और बैंक को अपने IT सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक IT ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है फ्रेंड्स। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया या ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। और अन्य 4 शहर जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजीत वर्मा, ऑप्शन बी संजय मेहता, ऑप्शन सी संदीप वर्मा शर्मा या ऑप्शन डी देवाशीष पांडा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, देवाशीष पांडा। ये दोस्तों, देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, सुभाष चंद्र खूटिया के कार्यकाल के पूरा होने से मई 2021 से यह पद खाली था। और बात करें तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी देवाशीष पांडा को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 42वें स्थान, ऑप्शन बी 97वें स्थान या ऑप्शन सी 78वें स्थान या ऑप्शन डी 93वें स्थान। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 93वें स्थान। ये दोस्तों, स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में BDEM संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत 93वें स्थान पर रहा है। और फ्रेंड्स, बात करें तो रिपोर्ट में भारत को एक चुनावी निरकुशलता के रूप में वर्गीकृत करता है, जो LDI पर 179 देशों में से 93वें स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। राम राघवन की जगह प्रभा नरसिम्हन को किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी कोल इंडिया, ऑप्शन सी HDFC ग्रुप या ऑप्शन डी कोलगेट पामोलिव लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोलगेट पामोलिव लिमिटेड। ये दोस्तों, राम राघवन की जगह प्रभा नरसिम्हन को हाल ही में कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का CEO और MD नियुक्त किया गया है दोस्तों। और वे इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी दोस्तों। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए पाई दिवस, ऑप्शन बी विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी महिला दिवस
या ऑप्शन डी ज्ञान दिवस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पाई दिवस। ये दोस्तों 14 मार्च को विश्व भर में पाई दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और पाई की वैल्यू 3.14 है, संख्या का प्रारंभिक अंक 3 है दोस्तों। यहाँ पे 3.14 में संख्या का जो प्रारंभिक है वो 3 है दोस्तों। इसी प्रकार इसे मार्च में मनाया जाता है क्योंकि यह वार्षिक कैलेंडर में तीसरा महीना है दोस्तों। मार्च जो है वो वार्षिक कैलेंडर में तीसरा महीना है, इसीलिए इसे मार्च में मनाया जाता है दोस्तों। और यहीं पे बात करें तो दिनांक और संख्या 14 के अनुसार यह मार्च की 14वीं तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। ये जो 14 जो वैल्यू दे रखी है इसकी, इसी के अनुसार यह 14 तारीख को मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। भारत और किस देश ने सोलर पावर प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, श्रीलंका। ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच सोलर पावर प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और भारत और श्रीलंका ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में पूर्वी बंदरगाह जिले त्रिकोमाली में 100 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। किसने? तो भारत और श्रीलंका ने मिलकर। और फ्रेंड्स देश के पूर्वी प्रांत में संयंत्र के लिए शुक्रवार को श्रीलंका के वित्त मंत्रालय में हस्ताक्षर कार्यक्रम हुआ, और इस क्षेत्र में श्रीलंका के साथ हमारा सहयोग सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के कार्यान्वयन के साथ ही मजबूत होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री ने कहाँ 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी मुंबई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अहमदाबाद। ये दोस्तों प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और फ्रेंड्स इसके उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि 12 साल पहले 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी दोस्तों। कब? तो 12 साल पहले 2010 में। तो इन्होंने बोला है वह मेरे लिए एक सपने के बीज बोने जैसा था, उस बीज को मैं आज इतनी विशाल बट वृक्ष का आकार लेते देख रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तमिलनाडु। ये दोस्तों केरल सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया है, और इस बजट में यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की शिक्षा पर राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ खर्च करने की बात भी कही गई है दोस्तों। और यहीं पर बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध पर सरकार एक वैश्विक शांति सम्मेलन भी आयोजित करेगी दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना है? ऑप्शन ए अर्जुन कुमार सिकरी, ऑप्शन बी रंजना गोगोई, ऑप्शन सी दीपक मेहता या ऑप्शन डी संदीप त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अर्जुन कुमार सिकरी। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सिकरी को चुना है, और इस परियोजना से संबंधित
पर्यावरणीय चिंताओं और अन्य मुद्दों के साथ साथ संपूर्ण हिमालयी घाटी पर चार धाम परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव को देखभाल करेगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज और आज हम करने वाले हैं 12 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को हाल ही में किस सेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, बी चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में IRGC द्वारा नूर 2 सैन उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये ईरान देश ने IRGC के द्वारा नूर 2 सैन उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अजय भूषण पांडे को NFRA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, कौन? कैटलिन नोवाक। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस 11 मार्च को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, ये अमेरिका ने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के विकास में श्रमिकों की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों, ये भूपेंद्र यादव ने भारत के विकास में श्रमिकों की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत ने 7 मेडलों को जीतकर ये पहले स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब है आपके कल के प्रश्न का उत्तर। आपसे क्वेश्चन किया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल्क मुल्क के नेतृत्व में की गई थी दोस्तों, और बकार उल्क मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे बकार उल मुल्क, ये दोस्तों मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना हुई है 1906 ईस्वी में दोस्तों। और फ्रेंड्स, अब है आपके लिए आज का प्रश्न। आपका प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज के हमारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। और दोस्तों, अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर इस PDF के लिंक के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।